विधवा भाभी। प्रिया की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था कि कार दुर्घटना में उसके पति रमेश की मृत्यु हो गई थी। प्रिया विधवा हो गई थी और अपने ससुराल में ही रह रही थी, पर ससुराल में उसे आए दिन ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है तो सास चिल्लाने लगती है, अब क्या तोड़ा इस कल मुहीन है? अगर ऐसे ही बर्तन तोड़ती रही तो क्या तेरे मायके वाले ला कर देंगे ये सब? मैं तो बहुत दुखी हूँ इससे। अरे क्या हुआ अब? क्यों इतना चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अरे यह जो तुम्हारी बहू है ना, उसी को चिल्ला रही थी। कहीं जाकर मरती भी तो नहीं है कल मुही? जिंदगी भर हमारी ही छाती पर पड़ी रहेगी। हे भगवान, अब तो उठा ले। अरे मुझे नहीं इस कल मुही को। पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके, कुछ सिखाया ही नहीं इसे। तभी किचन से प्रिया बाहर आती है। माँ जी, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, पर आप मेरे माँ पिताजी को क्यों बीच में लाती हैं? बहू, तेरा बाप ने यही सिखाया है क्या बड़ों से बहस करना? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था पिताजी। अरे मुझे अच्छे से पता है तेरा क्या मतलब था। एक तो कल मुही मेरे बेटे को खा गई। अरे ऊपर से हम इसे जबान लड़ा दिया। माँ जी, वो आपके बेटे थे तो मेरे भी तो पति थे। राम, देखो तो कैसे कैंची की तरह कचर 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 जबान चल रही है। अरे तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। फिर क्या था, कल्याणी प्रिया को किचन में खींचती हुई ले जाती है और उसे गरम चिमटा करके जला देती है। प्रिया चिल्लाती रहती है, माजी माजी छोड़ दीजिए, बहुत जल रहा है मुझे। अब चला तेरी जबान, अगली बार जबान चलाने से पहले 100 बार सोच लिया करना मनहूस कहीं की। फिर कल्याणी वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया किचन में रोटी बना रही होती है, तभी नटवर लाल प्रिया को आवाज लगाता है। ओ महारानी, मेरी चाय आज ही आएगी या मुझे चाय का कल तक इंतजार करना पड़ेगा? हाँ बाबूजी, अभी लाई बस। हे भगवान, इस जले हुए हाथ से काम करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। जल्दी से ये चाय कप में डालकर लेकर जाऊं पहले, नहीं तो फिर मौका मिल जाएगा इन लोगों को ताने मारने का। प्रिया जल्दी जल्दी अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर जाती है। पास में कुर्सी पर बैठी सास प्रिया को टांग अड़ाकर नीचे गिरा देती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे सत्यानाश हो इसका, इस घर में ढंग से एक कप चाय भी नसीब नहीं है, सारी चाय गिरा दी, अब क्या पीऊंगा मैं? बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। माँ जी ने पैर अड़ाकर मुझे गिरा दिया। हाय राम 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 राम, अपनी सास को गलत बताते शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, मैं भला क्यों गिराने लगी तुझे? देख लो, तुमने ही ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है इसे। अरे ये ना इसकी कोई चाल होगी, गरम चाय तुम पर गिराने की जी। अरे हमारे बेटे को तो पहले ही खा गई, अब एक एक करके हमें भी मारना चाहती है। बाबूजी, शायद मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। रहने दो अब, मेरा अब चाय पीने का मन ही नहीं रहा। अरे आप खड़ी मत रहिए, यहाँ बाथरूम में बहुत कपड़े पड़े हैं, जा जाकर धो उन्हें। ठीक है माँ जी। प्रिया बाथरूम में कपड़े धोती है तो सास और कपड़े लेकर वहाँ आ जाती है और प्रिया के ऊपर कपड़े फेंकती है। ये ले, इसे भी धो देना। पर माँ जी, ये वाले कपड़े तो धुले हुए हैं और देखिए मैंने इन पर इस्त्री भी की हुई थी। ये ऐसा धोते हैं कपड़े? सारे के सारे गंदे दिख रहे हैं और बहस कर रही है मुझसे। अरे दोबारा धोए ना। ठीक है माँ जी, दोबारा धो देती हूँ उन्हें। सुबह से शाम हो जाती है प्रिया को काम करते करते। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं होता। जैसे ही प्रिया काम खत्म करके किचन में जाती है खाना खाने, कल्याणी उसे देख लेती है। लगता है ये महारानी खाना खाने के लिए जा रही है, अभी बताती हूँ इसे। और दोनों ही जल्दी से बेड पर बैठ जाते हैं और प्रिया को आवाज लगाते हैं। अरे आ बहू, जरा इधर तो आ। सास की आवाज सुनते ही प्रिया वहाँ दौड़ी चली आती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या?
अरे मेरे हाथ पैर में कितना दर्द हो रहा है, जरा दबा तो दे। मुझे पता है माँ जी, आप ये सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि मैं खाना ना खाऊं और भूखी ही रहूं। ठीक है माँ जी, अभी दबा देती हूँ। सास के पैर दबाते दबाते आधी रात हो जाती है, पर कल्याणी तो जैसे सोने का नाटक कर रही हो, उसे उठने ही नहीं देती। अरे जरा ढंग से दबा, हाथ में जान नहीं है क्या, काम चोर कहीं की। माँ जी, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, आप कहे तो मैं खाना खा कर आऊं। ओहो, अगर एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी क्या? ओहो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, ना दिन में चैन ना रात में चैन। इस मनहूस का कुछ करो और इसे यहाँ से भगाओ, चैन से कोई सोने भी नहीं देता। फिर क्या था, कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है और प्रिया को रात में ही घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। कल्याणी उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है, पर प्रिया पूरी रात वहीं दरवाजे पर बैठी रहती है और रोती रहती है। सुबह होते ही कल्याणी का छोटा बेटा संजय कई महीनों बाद घर लौटता है। वो अपनी भाभी को घर से बाहर दरवाजे पर बैठा देख चौंक जाता है। भाभी, भाभी आप यहाँ इस हालत में बाहर क्यों बैठी हो? वो माँ जी ने। बस भाभी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है आपको, मेरी समझ में सब आ गया। आपको माँ ने घर से बाहर निकाला है ना, बहुत हुआ, अब इनसे बात करनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं देवर जी, आप माँ को कुछ भी मत कहना। भाभी आप मुझ पर भरोसा रखिए और मेरे साथ अंदर चलिए। संजय अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप? कल्याणी और नटवरलाल अपने बेटे की आवाज सुनकर दौड़े चले आते हैं। अरे संजय बेटा, तू कब आया? आने की कोई खबर भी नहीं दी तूने। अरे बेटा, इतने महीनों बाद तुझे देखकर कलेजे में ठंड बैठ गई। अरे कैसा है रे? और हाँ, ये कलमुई तेरे साथ क्या कर रही है? अब इस बेटे को भी खाने का इरादा है क्या तेरा? जहाँ से लाया है इसे वहीं फेंक कर आओ, उसे हमारी आंखों से दूर कर इसे। तुम दोनों कान खुलकर एक बात मेरी सुन लो, अगर भाभी इस घर से गई तो मैं भी चला जाऊंगा इनके साथ। ऐसा मत बोलिए देवर जी, मेरे लिए आप इन दोनों से झगड़ा कर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। ओ महारानी, इसके आते ही तूने क्या पट्टी पढ़ा दी जो हमारा बेटा हमें इतनी खरी खोटी सुना रहा है। माँ, भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मुझे तुम दोनों की हर हरकत का पता है। आप दोनों ने भाभी को घर से बाहर निकाला है। माँ पिताजी, अगर ऐसा ही तुम्हारी अपनी बेटी के साथ हुआ होता तो उसे भी अपने ससुराल में सास ससुर के ऐसे ही ताने सुनने को मिलते तो उसे भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया होता तो। अरे बेटा शुभ शुभ बोल, वो तेरी अपनी बहन है। अपनी बहन के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? तो भाभी भी तो किसी की बहन है ना, बेटी है किसी की। एक तो भाभी की इतनी कम उम्र में शादी हो गई, शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि बेचारी ने अपने पति को खो दिया, विधवा हो गई, और इसमें इनका क्या कसूर है? गलती भैया की थी, उन्हें इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। मैंने तो सोच लिया है कि मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूंगा। अरे ना ना बेटा, ऐसा मत बोल, ऐसी कड़वी बातें क्यों कर रहा है तू? सही तो कह रहा हूँ मैं, अगर मैंने शादी कर ली और शादी के कुछ दिन बाद ही मैं भी मर गया तो मेरे पीछे आप मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही करोगे? अरे बस कर बस, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दे। बहू, जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगी तब तक हम तुम्हारे सामने ऐसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। बस कीजिए आप दोनों, आप बड़े हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। अब प्रिया के ससुराल में सब ठीक हो गया था। और हाँ, आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया था, मेरा एक दोस्त है, उसे भाभी के बारे में सब पता है और वो भाभी से शादी करना चाहता है। देवर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। बहू, संजय बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे आप तू अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? और सच कहूँ तो अब से तू हमारी बहू नहीं, बेटी है, तू इसे अपना ससुराल नहीं मायका समझ। भाभी, आपको मेरी कसम, मैं आपके देवर की तरह नहीं छोटे भाई की तरह हूँ, आपको मेरी ये बात माननी ही होगी।
संजय के इतना जोर देने पर प्रिया शादी के लिए मान जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ उसे सभी लोगों का भरपूर प्यार मिलता है।